गांव गली गली मिलता है और हर व्यक्ति लिमड़ा का दातन करे तो 22-25 लाख लोगों को दातन बेचने से रोजगार मिलता है। पैसा तो बचता ही है कॉलगेट, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। माताओं बहनों से निवेदन है कि अमेरिकन कंपनी की क्रीम ना लगाएं, फेयर एंड लवली। आप बोलेंगे जी इसी से तो गोरापन आता है, फेयर एंड लवली को मैंने 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया, वो अभी भी काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे, काला काला है गोरा गोरा। काला और गोरा होना डीएनए के साथ फिक्स होता है, क्रीम से फिक्स नहीं होता। तो आप ये फालतू में फेयर एंड लवली मत लगाइए, बड़ी महंगी है, 25 ग्राम 40 रुपए की है, 1600 रुपए किलो। 200 रुपए किलो काजू खाइए, 1600 रुपए किलो की क्यों क्रीम लगाते। 400 रुपए किलो बादाम खाइए, 1600 रुपए किलो की क्रीम क्यों लगाते। भाइयों को निवेदन है कि शेविंग क्रीम ना लगाएं अमेरिका की, पाम ऑलिव, ये अमेरिकन शेविंग क्रीम। तो आप बोलेंगे जी दाढ़ी कैसे बनाए, दूध से दाढ़ी बनेगी। थोड़ा दूध ले लीजिए, चेहरे में लगाइए, रेजर चलाइए, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है, 10 साल से मैं कर रहा हूँ। 4 फायदे हैं। पहला फायदा है कि दूध लगाओ तो चेहरे की चिकनाई बढ़ती है, तो रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड की लाइफ बढ़ जाती है, एक ब्लेड 8-10 बार दाढ़ी बना देता है। दूसरा फायदा है कि दूध से दाढ़ी बने तो दूध की बिक्री बढ़ती है, मुनाफा खेड़ों को मिलता है। तीसरा फायदा, दूध लगाओ तो क्लींजिंग एजेंट है दूध, चेहरे की गंदगी सारी निकाल देता है, तो चेहरा चमकता है, फोकस में स्मार्ट हो जाते हैं। मुफ्त में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, दूध से दाढ़ी बनाए। और आप सभी से विनती है कि दूध से भी नहाइए, दाढ़ी तो बनाइए, आप सब दूध से नहाइए, क्योंकि भारत में कहा जाता है दूधो नहाओ पूतो फल, कभी किसी ने नहीं कहा लक्स लगाओ पूतो फल या लाइफ बॉय से नहाओ पूतो फल, दूध से ही नहाने पर कहा गया। दूध से नहाने का फायदा क्या है, दूध बहुत इस्तेमाल होता है नहाने में, 2-3 चम्मच उसको लगाइए, रगड़ लीजिए और पानी से नहा लीजिए, गंदगी निकल जाती है। दूध जो है ना सबसे अच्छी क्लींजिंग करता है, सारे 5 स्टार ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लींजिंग ही होता है, बस इतना ही है कि वो 500 रुपए में करते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूँ। अगर ब्यूटी पार्लर मिल्क क्लींजिंग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं ना अपने घर में। मेरा एक ही कहना है, अमेरिकन साबुन नहीं बिके, अमेरिकन क्रीम ना बिके, अमेरिकन टूथपेस्ट ना बिके, और अंत में अमेरिका की दवा मत खाइए कोई। बहुत अमेरिकन कंपनियां यहाँ के दवाएं बेच रही हैं, जैसे विक्स, ये अमेरिकन कंपनी की दवा है, विक्स, बेनाड्रिल और अमेरिकन कंपनी की दवाएं हैं, एली लिली एक बड़ी अमेरिकन कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन एक बड़ी अमेरिकन कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सब दवाएं बेचने आए हैं धंधा करने। इनकी दवाओं पे कभी भरोसा मत करिए, क्योंकि जो दवाएं वो यहां बेच रहे हैं वो दवाएं अमेरिका में बंद हैं 20 साल से, और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उनको पॉइजन डिक्लेयर किया, वो दवाएं यहां पर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। आपको अमेरिका की सबसे खतरनाक जो दवा दी जा रही है आजकल, वो हर्ट पेशेंट को दी जा रही है। आप में से किसी को भी भगवान न करे हर्ट अटैक आए, लेकिन आ गया तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। आपको मालूम है एक एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन आपका होता है, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्प्रिंग डाली जाती है आपके शरीर में, उसको स्टंट कहते हैं, ये अमेरिका से आता है। और ये स्टंट जो अमेरिका से आता है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $3 के आसपास है, और यहां लाकर वो 2.5 लाख रुपए में बेचते हैं, ऐसे लूटते हैं। और एक बार हार्ट अटैक में एक स्टंट डालेंगे, दूसरे में दूसरा, डॉक्टर को कमीशन है, इसलिए वो बार बार कहता है एंजियोप्लास्टी कराओ, एंजियोप्लास्टी कराओ, आप मत कराइए। फिर आप बोलेंगे क्या करें, मैं आपको बहुत दावे से कह रहा हूं ये बात, एक डॉक्टर की हैसियत से, क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूं, कभी भी स्टंट का ऑपरेशन आज तक किसी को सफल हुआ नहीं, सक्सेस हुआ नहीं। कारण क्या है, आपकी जिस वाहिका में स्टंट डाला जाता है नली में, वो स्टंट इतना बड़ा है, नली में यहां उन्होंने फिक्स कर दिया तो स्टंट के आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज हो जाए और सेकंड हार्ट अटैक फिर आएगा, तो फिर वो कहेंगे दूसरा स्टंट लगवा लो, और इसी चक्कर में आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लाखों रुपए लूट के ले जाए। तो आप बोलेंगे जी क्या करें, मेरा आपको विनम्र विनती है कि आपको कभी भी एंजियोप्लास्टी का खतरा हो तो आप ऑपरेशन तो मत कराओ। क्या करें फिर, जिंदगी बचानी है तो आप एक सरल उपाय करो, वो मेरा नहीं है, भारत देश की महान व्यक्ति का उपाय है, वो व्यक्ति का नाम था बाघभट्ट। उन्होंने 3500 साल तक लिखा एक पुस्तक में जिसका नाम है अष्टांग हृदय, और एक पुस्तक है अष्टांग संग्रह, 7000 सूत्र उन्होंने लिखे हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए। उसका एक सूत्र है कि कभी भी हृदय घात अगर है, हृदय को घात हो रहा है, तो जान लीजिए कि रक्त में एसिडिटी बढ़ी हुई है,
एसिडिटी समझते हैं, अम्लता। एक अम्लता होती है पेट की और एक होती है रक्त की। पेट की अम्लता बढ़े तो आपको आग जलेगी पेट में, एसिडिटी होगी। आप कहेंगे आग जल रही है, खट्टी खट्टी लकार आ रही है, मुंह से पानी आ रहा है, फिर और ज्यादा हो तो हाइपर एसिडिटी होगी। यही पेट की अम्लता जब रक्त में चली जाती है तो रक्त अम्लता होती है, और रक्त अम्लता में आए तभी हार्ट अटैक होता है, इसके बिना हार्ट अटैक होता नहीं। ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं, क्योंकि इसका इलाज बहुत सरल है। इलाज क्या है? भारती जी कहते हैं कि रक्त में अम्लता अगर बढ़ गई है तो ऐसी चीजों का उपयोग करो जो क्षारीय है। आप जानते हैं दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय, एल्केलाइन और एसिडिक। अभी अम्लीय और क्षारीय को मिलाएं तो क्या होता है? अम्ल और क्षार को मिलाओ तो न्यूट्रल होता है कि नहीं? तो भागवती जी कहते हैं कि रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय चीज खाओ तो रक्त की अम्लता न्यूट्रल हो जाएगी, माने हार्ट अटैक की जिंदगी में संभावना खत्म हो जाएगी। ये है कहानी। तो आप पूछोगे कि कौन सी क्षारीय चीज है जो हम खाएं? आपके रसोई घर में सवेरे से शाम तक इतनी चीजें हैं जो क्षारीय ही है, अगर उन्हीं को खाना शुरू करो तो हार्ट अटैक ना आए, और कभी आ जाए तो दोबारा आने का चांस ना। क्या क्षारीय चीज है? सबसे ज्यादा क्षारीय चीज आपके घर में है दूधी। दूधी है ना, सब्जी के रूप में आप खाते हैं, इससे ज्यादा क्षारीय कोई चीज ही नहीं। तो दूधी का रस पियो रोज निकाल निकाल, या कच्ची दूधी खाओ। स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि नहीं दूधी रस पियो, दूधी का 3.25 लाख लोगों को ठीक कर दिया उन्होंने दूधी का रस पिला पिला, और उनमें हजारों डॉक्टर हैं जिनका खुद हार्ट अटैक होने वाला था, वो दूधी का रस पी पी के आते हैं। क्योंकि मैं हरिद्वार जाता हूँ रामदेव जी के यहाँ, तो हजारों डॉक्टर इस देश के वहां जाते हैं, चुपचाप दूधी का रस पीते हैं 3-3 महीने 4-4 महीने, आके फिर क्लिनिक पे बैठ जाते हैं। वो बताते नहीं हम कहाँ गए थे, वो कहते हम न्यूयॉर्क गए थे, जर्मनी गए थे ऑपरेशन करने, वो रामदेव जी के वहां गए थे, वो 3 महीने दूधी का रस पी के आए हैं, हर जगह ठीक हो गया, आके फिर ऑपरेशन पे लग गए हैं, और वो इतने हराम खोरे कि आपको नहीं बताते कि आप भी दूधी का रस पी। आपको दूधी का रस पी हो, इसको जो रामदेव जी कहते हैं ना, वो भी भागवत जी के आधार पर कहते। भागवत जी कहते हैं कि रक्त की अम्लता कम करने की ताकत सबसे ज्यादा दूधी में है, तो दूधी का रस पियो। कितना पियो? रोज 200 मिलीग्राम पी लो। कब पीना? सवेरे पी लो, नाश्ते में, नाश्ते में नहीं तो भोजन के बाद पी लो, आधे घंटे के बाद पी लो। और दूधे के रस की और ज्यादा क्षारपन बढ़ाना हो तो दूसरी क्षारीय चीज हमारे घर में है, वो है तुलसी। तुलसी बहुत क्षारपण है तो तुलसी का रस मिला दो। और एक तीसरी चीज है, वो क्षारीय है, उसका नाम है पुदीना। पुदीने का रस उसमें मिला दो। और एक क्षारीय चीज है अपने घर में, काला नमक। और एक है सेंधा नमक। ये काला और सेंधा नमक क्षारीय है, लेकिन बाजार से जो आता है ना आयोडीन युक्त, ये अम्लीय है। ये आयोडीन युक्त नमक के चक्कर में मत फंसना, काला नमक खाओ नहीं तो सेंधा नमक। तो सेंधा नमक ले लो, थोड़ा दूधी का रस ले लो, थोड़ा तुलसी का रस ले लो, पुदीने का रस ले लो, कोथिंबीर का रस भी क्षारीय है। ये सब क्षारीय मिला मिला के रोज पियो, 3 महीने में आपका ब्लॉकेज निकल जाएगा, अम्लता कम हो जाएगी, 2.5-3 लाख रुपए फालतू खर्च होने से बच जाएंगे, और जो बच जाए तो गौशाला को दान कर देना, तो गौशाला का भी फायदा है। डॉक्टर को देने से अच्छा गौशाला को दे। और एक दूसरी जानकारी आपको दे दूं कि रक्त की अम्लता से अपने शरीर में 48 रोग आते हैं, 48। उसमें से पहले नंबर का रोग है जिसका नाम है हार्ट अटैक। दूसरे नंबर का एक रोग है, यह भी रक्त की अम्लता का ही रोग है, उसका नाम है डायबिटीज। तीसरे नंबर का एक रोग है, यह भी रक्त अम्लता का रोग है, जिसको आप कहते हैं पैरालिसिस। चौथे नंबर का एक रोग है, वो भी रक्त अम्लता का रोग है, जिसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज। ऐसे 48 रोग हैं जो रक्त अम्लता से होते हैं, माने रक्त की अम्लता अगर ठीक हो तो 48 रोग ठीक हो जाए। और ये अम्लता ठीक करने के लिए दूधी आपके पास है, कोथिंबीर आपके पास है, पुदीना आपके पास है, काला नमक आपके पास है, सेंधा नमक आपके पास है। और बता दूं, आप में से कोई जैन है, ये उनके लिए नहीं है, अजैन लोगों के लिए बता दूं, गाजर बहुत क्षारीय है। गाजर भरपेट गाजर खाओ, जब तक मिले खाओ, कद्दूकस में घिस घिस के खाओ, रक्त की अम्लता सबसे कम करती है। मूली रक्त की अम्लता कम करती है, गाजर है, मूली है, चुकरकंद,
बीज जिसको आप कहते हैं, ये बहुत रक्त की अम्लता को कम करता है। जमीन के नीचे जो कुछ भी होता है, शेंग दाना, मूंगफली, ये रक्त की अम्लता को कम करती है। गुड़, गुड़ रक्त की अम्लता को कम करता है। तो जितनी चीजें रक्त अम्लता को कम करती हैं, वो घर में हैं। इनको आप खाते रहोगे तो 48 बीमारियों से बचे रहोगे, फालतू की दवा खाने की जरूरत नहीं। अब एक दूसरी जानकारी कि रक्त की अम्लता से जो 48 रोग होते हैं, ऐसे उल्टा भी है, रक्त क्षारीय हो जाए तो भी लगभग 25 से 30 रोग होते हैं। तो आप बोलेंगे अब इसके लिए क्या करें? अगर रक्त क्षारीय हो गया है तो अम्ल की चीजें ज्यादा खाओ, अम्लीय चीजें ज्यादा खाओ। अम्लीय चीजें क्या है आपके पास? संतरे का रस, मौसम्बी का रस, नींबू का रस, अनार का रस, ये सब अम्लीय चीजें हैं। इनको ज्यादा खाने लगो, क्षारपन ठीक हो जाएगा तो क्षारीयता की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो आप बोलेंगे और क्या करें? दो तीन बातें और कर लो तो अच्छा है, मैं करता हूं वो आप भी करें। बीमारी मत पड़ो, चक्कर ही नहीं है सारा, ये तो सब झंझट तब है जब आपकी अम्लता बढ़े या क्षारता बढ़े। आप बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। मैं जब आया था ना वापिस, तब से आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, 10 साल हो गए और अगले 10 साल जाने की तैयारी नहीं है मेरी। जब तक कि कोई मुझे गोली से ना मारे और बम ब्लास्ट से ना मारे, तब तक तैयारी नहीं है। मेरी गलती से तो बीमार होता नहीं, आप भी वो गलती मत करो। आप बोलोगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं, छोटी छोटी कुछ गलतियां जो रोज हम करते हैं वो कर दो, बीमारी ही नहीं आई। मैंने वो बंद की है, जब से मैंने बाणभट्ट का अशांत हृदय पढ़ा तब से मेरी जिंदगी में मैंने कुछ नियम बनाए, वो आप भी बनाए। बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय में 10 नियम कहे हैं, जो कोई भी पालन करे तो जिंदगी में बीमार ना है। मैं वो नियम पालन करता हूँ, आप भी करता हूँ। बहुत सरल है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता। क्या नियम है? बाघभट्ट ने सबसे पहला नियम बताया, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप, वो ये कहते हैं खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। उन्होंने संस्कृत में कहा भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत, भोजन अंत माने भोजन अंत, विषम वाली, विष माने जहर, तो भोजन के अंत में पानी जहर जैसा है, ये है सूत्र। तो भोजन के अंत में पानी मत पियो। आप बोलेंगे जी कब तक ना पिए? 1.5 घंटे तक मत पियो, उसके बाद पी लो। तो आप कहेंगे बड़ी मुश्किल बात है, 1.5 घंटे कैसे रहे बिना पानी के? तो भागवत जी कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद कुछ पीना है तो छाछ पी लो, और कुछ पीना है तो दूध पी लो, और कुछ पीना है तो कोई फल का रस पी लो, जूस। पानी 1.5 घंटे बाद पी, अब तो चल जाएगा। खाना खाते ही अगर प्यास लग रही है तो जूस पी लो, गिलास भर के, दो गिलास भर के। जूस कौन सा पिए? जो सबसे सस्ता मिलता हो जिस सीजन में, सबसे सस्ता। सबसे सस्ते से मतलब है ज्यादा उत्पाद होगा तभी सबसे सस्ता होगा। आजकल जो सबसे सस्ता जूस है वो शेरडी का है, गन्ने का पियो। जब भी खाना खाओ गन्ने का रस पी लो, और थोड़े दिन के बाद संतरे का रस आ जाएगा, फिर द्राक्ष का आ जाएगा, अंगूर का आ जाएगा। तो जो रस मिलते हैं बाजार में या सीजन के फल हैं, वो रस पियो खाने के तुरंत बाद, या तो छाछ पियो नहीं तो दूध पियो। रस पीने का तरीका है सवेरे पीना, छाछ पीने का है दोपहर पीना, दूध पीने का है रात को पीना। खाने के तुरंत बाद दूध पीना है, छाछ पीना, रस पीना है। सुबह खाना खाया तो जूस पीना, दोपहर खाया तो छाछ, रात को तो दूध। अगर पानी पीना है तो 1.5 घंटे बाद ही पीना। क्यों? कारण उसका यह है कि आपने जो कुछ खाया वो पेट में गया, पेट में जाते ही इसमें आग जलती है, खाने का पाचन होने के लिए। उसको कहते हैं जठर अग्नि। जठर एक स्थान है जहां पर भोजन जाता है, वहां अग्नि जलती है, जठर अग्नि। इस अग्नि को जलने में 1.5 घंटा लगता है। तो जब तक अग्नि जल रही है पानी मत पियो, अगर पी लिया तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि बुझेगी तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना सारे रोग पैदा करेगा जिनके नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिए। इसलिए बाघवट कहते हैं खाने के बाद पानी मत पियो। कर सकते आसान है, स्वस्थ रहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आसान नियम है। दूसरा नियम है बाघवट जी का, वो ये कहते हैं कि पानी जब भी पियो घूट घूट भर के पियो, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पियो, गटगट 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 पानी मत पियो। एक सिप पिया, दूसरा सिप, तीसरा सिप, क्यों पीना भाई? कारण ये है कि मुंह में बनती है लार, स्लाइवा, ये होती है क्षारीय। पेट में बनता है अम्ल, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं,
तो मुंह की लार और पेट का अम्ल दोनों मिले तो हो जाएगा न्यूट्रल, ये क्षार है ये अम्ल है, तो पेट हमेशा न्यूट्रल रहे तो बार बार लार अंदर जानी चाहिए। तो पानी अगर घूट घूट पिए तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, इसलिए बागवट कहते हैं पानी हमेशा घूट घूट पिए। ये पक्षी है ना, सब ऐसे ही पानी पीते, चिड़िया देखो पानी पीते है, एक ड्रॉप उठाएगी पानी का, फिर ऐसे ऐसे करेगी, फिर पिएगी। बागवट की पक्षी चेली है सारी चिड़िया, बिना किसी कॉलेज में जाए वो सीखती है। आप इतने बड़े होशियार लोग हैं, आपको ये नहीं मालूम कुत्ता कैसे पानी पीता चाट चाट के, बागवट का चेला है ये कुत्ता। हाँ, सारे जानवर पानी ऐसे ही पीते, गाय को देखो पहले पानी को मुंह में भरेगी, फिर थोड़ी देर रोकेगी, फिर पिएगी ताकि लार अंदर जाए। तो जानवर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं होशियार, तो पानी घूट घूट पीना शुरू कर दो। दूसरा नियम, तीसरा नियम है ठंडा पानी कभी मत पियो। ठंडा पानी उन्होंने कैसे लिखा, ये नहीं लिखा ठंडा पानी मत पियो, उन्होंने लिखा है शरीर के तापमान से कम तापमान का पानी मत पियो, पानी ठंडा पानी मत पियो। अब ठंडा पानी से मतलब फ्रिज का पानी मत पियो, बर्फ डाला हुआ पानी मत पियो। क्यों नहीं पिए, मैंने इसका देखा एक्सपेरिमेंट करके कई मरीजों पर, जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना उनकी लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन शरीर में जो है, तो ज्यादा ठंडा पानी पियो तो लार्ज इंटेस्टाइन वैसे ऐसी होती है, ठंडा पानी पीते ही ऐसे होती है, और दिन में 10 बार आपने पिया तो 10 बार ये ऐसे ऐसे होती है, फिर रोज पीते रहे तो ये परमानेंट ऐसे हो जाते। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो गई तो सवेरे आप जब ठंडा घर में जाएंगे तो पोट साफ होगा ही नहीं, क्योंकि ये संकुचित है। दुनिया में मैंने देखा है जो लोग चिल्ड वाटर पीते, अमेरिकन यूरोपियन लोग चिल्ड वाटर पीते, पानी फ्रिज में रखेंगे ऊपर से बर्फ डालेंगे फिर पिए, और ये चिल्ड वाटर पीने वाले लोगों को मैंने देखा सवेरे टॉयलेट रूम में जाएंगे तो एक एक घंटे बाहर नहीं आते, कभी कभी दो दो घंटे बैठे रहते। पूछो भैया क्या कर रहे हो दो घंटे टॉयलेट रूम में, कहते न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर के लिए टॉयलेट रूम है, कहते उतरती नहीं ठंडा, क्या करें बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। कभी समस्या इतनी भयंकर होती है कि वो इंतजार में गाने गाने लगते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है करेगा, और उससे भी बड़ी समस्या हो जाए ना तो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आजा 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 आती नहीं कह कह, बड़ी समस्या है ये अमेरिकन और यूरोपियन। आप ये समस्या अपने शरीर में मत लाओ, माने कब्जियात मत होने दो, ऑस्टिपेशन मत होने दो, माने ठंडा पानी मत पियो। पानी फिर कैसा पिए, हल्का गर्म पानी पीते रहो, अगर जैन है तो बहुत अच्छा, अजैन है तो भी पानी पक्का हुआ माने गर्म किया हुआ पानी ही पियो, थोड़ा गुनगुना रहे तो बहुत ही अच्छा। और चौथा सूत्र है सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पियो, चाय से पहले पानी पियो, कितना पिए 3 गिलास पी लो, बिना प्यास के पी लो, थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पी लो। क्यों, रात भर आप सोए मुंह में जो लार बनी है ये बहुत कीमती है, ये अंदर जाए तो बहुत अच्छा, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम। पांचवा नियम है खाने को चबा चबा के खाओ, इतनी बार चबाओ जितने आपके दांत, 32 दांत है तो 32 बार चबाओ। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं मेरे तो, अब क्या करें, तो मसूड़े है ना वो दांत के जैसे ही हो जाते हैं, अगर दांत निकल गए तो मसूड़े दांत के जैसे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे चबा के आप खा सकते हैं, ऐसी कोई तकलीफ, तो खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। छठा नियम है कभी भी खड़े होकर खाना मत खाओ, दो पाए आदमी के लिए खड़े होकर खाना वर्जित है, चार पाए के लिए ठीक है, माने जानवर खड़े होकर खाए तो ठीक है, बुफे सिस्टम बफेलो सिस्टम है, बुफे सिस्टम में खाना मत खाइए, खड़े खड़े मत खाइए, खाना प्लेट में लेके जमीन पे बैठ के खाइए। आप बोलेंगे जी शादी में गए हैं तो क्या, एक प्लेट में खाना लेके कहीं बैठ के खाइए तो आप कहिए दूसरे लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए वो मूर्ख है, इसलिए हंस रहे हैं, मूर्ख लोग बहुत बार हंसते। आप जमीन पर बैठ के खाने लगेंगे वो भी आपकी नकल देख के करने लगेंगे, तो आप बोलेंगे जी घर में तो डाइनिंग टेबल है क्या करें, बेच दो इसको और क्या करें, कचरा सब घर में थोड़ी रखा जाता है, आपने कबाड़ कहीं से लाया और घर में सजा लिया तो कबाड़ ही है ना, वो हीरा सोना पन्ना तो नहीं होने वाला, और डाइनिंग टेबल कितने इलाके में आपने रख के कितना एरिया घेर रखा है जरा सोचो, बाकी में 1 स्क्वायर फीट कितने का है, 3,000 का 4,000, 4,000 रुपए स्क्वायर फीट के एरिया को आपने डाइनिंग टेबल से घेर के रखा है जो बिना किसी काम का, सोचो दुनिया बुद्धि लगाओ ना कुछ,
व्यापारी बुद्धि लगा, इतना एरिया कवर करके रखा, इससे अच्छा डाइनिंग टेबल ना रहे तो वो एरिया का कुछ तो उपयोग होगा, बैठने में ही काम आएगा। तो आप बोले कि अब तो खरीद लिया डाइनिंग टेबल, अब क्या कर सकते हैं, तो मेरी बात मानो, उसके पांव काट दो डाइनिंग टेबल से तो तुरंत नीचा हो जाएगा, उसको पटरे की तरह से इस्तेमाल करो, जमीन पे बैठ के उस पर थाली रख के। जो आप बोलो घुटने नहीं मोड़ते, बैठे कैसे, कुर्सी तो चाहिए, तो कुर्सी पर बैठकर अगर खाना खाना है तो मैं एक बीच का रास्ता बताता हूं। भागवत जी ने वो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि आप कुर्सी पर ऐसे बैठो जैसे सुख आसन में बैठते, आलती पालती मार के कुर्सी पर बैठ जाओ, फिर खाना खाओ। खाना खाते समय महत्व की बात है जो जाननी चाहिए, वो ये कि हमारी जो नाभि है ना, इस पर धरती का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहना चाहिए नाभि पर। ये तभी संभव है जब आप जमीन पर बैठे हो, खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायग्राम से आता है। नाभि पर अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है तो नाभि एकदम सेट रहती है, और खाना खाते समय नाभि सेट रहे तो जठर अग्नि सबसे जास्ती प्रदीप्त है, इसलिए बैठकर खाना अच्छा है। फिर आठवां छठा सातवां नियम है, सातवां नियम है कि कभी भी आप खाना खाएं तो दो चीजें एक साथ ऐसी मत खाना जो एक दूसरे के विरोधी है, जैसे दूध और दही कभी साथ में नहीं खाना, उड़द की दाल और दही कभी साथ में मत खाना, दो टूटने वाली दो दाल जिनको द्विदल कहते हैं उनको दही के साथ मत खाना, खाना ही हो तो दही को गर्म कर लेना फिर खाना। कभी भी कांदा माने प्याज और दूध साथ में नहीं खाना, कभी भी खट्टे फल संतरा मौसमी इनको दूध के साथ मत खाना, ये विरोधी चीजें हैं। बागवत ने एक लंबी सूची बनाई है, 103 वस्तुएं हैं जिनको एक साथ ना खाएं तो आपकी जिंदगी में रोग आने ही वाले हैं। और एक छोटी सी आखिरी बात, दोपहर का खाना खाएं तो 20 मिनट विश्रांति जरूर लें, रात का खाना खाएं तो 2 घंटे बाद विश्रांति लें। दोपहर के खाने के बाद विश्रांति लें तो ज्यादा लेफ्ट साइड में आप करवट रखते सोएं, ये राइट ऊपर रहे लेफ्ट, इसको वाम कुक्षी कहते हैं। कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं बढ़ेगा, जो सीधे सोएंगे तो पेट भी बढ़ेगा वजन भी बढ़ेगा। दोपहर को खाने के बाद हमेशा लेफ्ट में सोएं, और रात को जब सोएं तो 2 घंटे बाद सोएं खाने के बाद। और सोते समय एक चीज का ध्यान रखें कि सिर ज्यादा से ज्यादा पूर्व में रहे, सूर्य की दिशा में रहे, या कोई बहुत इमरजेंसी हो तो दक्षिण में रहे, उत्तर और पश्चिम में सिर करके कभी भी ना सोएं। ये 10 नियम हैं, मैं पालन करता हूं, आप भी करो। मैं बीमार नहीं हुआ 10 साल से, आप भी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी। और जो थोड़ी बहुत बीमारी आज है, आप ये नियम ईमानदारी से कल से शुरू कर दो, 3 महीने बाद आप खुद बताना आपकी बीमारी बिना दवा के फोकट में ही ठीक हो रही है कि नहीं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये अपने आप जाए। इसलिए मेरा टारगेट है अमेरिका की दवा नहीं बिके इससे, एक दवा उसकी ना बिके, ये तभी संभव है जहां आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और स्वस्थ रहेंगे तभी सुखी रहेंगे। हमारे यहाँ से ना सर्वे भवन सुखिने, सर्वे संत निरामया, ये सुखी तब होंगे जब निरोगी होंगे, निरामय, निरोगी हुए बिना कोई सुख नहीं है दुनिया का। करोड़ों रुपए हो और रोग ही रोग हैं, कोई सुख नहीं है, एक पैसा नहीं है आपके पास लेकिन शरीर के रोग नहीं है, आप बहुत सुखी। सुख जो है शरीर में से उपजता है, मन बुद्धि के कर्म के आधार पर, पैसे से सुख नहीं खरीदा जाता और ना कहीं मिलता है, तो आपके अंदर से उपजेगा। संतुष्टि है तो सुखी होगी, और संतुष्टि होने का एक ही आधार है निरोगी रहे। तो मेरे 2 उद्देश्य हैं, अमेरिका को पैसा ना जाए, उनकी दवा ना बिके, आप सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और घर में रसोई है ना, इसमें सैकड़ों दवाएं हैं, उनका उपयोग कर लो ना। मैंने भी बताया, मैंने आपको धनिया पुदीना ये सब छारी है, ऐसे ही अम्लीय दवाएं हैं, कुछ दवाएं जो बहुत कॉमन है जो आप रोज इस्तेमाल करो बहुत अच्छा। एक हमारे रसोई में दवा है जिसको अजवाइन कहते हैं, अजवाइन गुजराती में अजमो कहते हैं, अजमो, ये बहुत ही अद्भुत है। किसी को भी एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, अजवाइन को भून लो तवे पे, थोड़ा काले नमक के साथ फंकी ले लो, 3 दिन में ही एसिडिटी खत्म कर। और यही अजवाइन बहुत अच्छी है अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, कब्जियत हो, तो गुड़ के साथ अजवाइन खा लो, एक ही दिन में कॉन्स्टिपेशन रिलीज कर। ऐसे ही अजवाइन के जैसा जीरा है, वो भी आपके पेट की एसिडिटी को कम करेगा। आपके घर में नमक बदल दो आप, ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाएगी। कौन सा नमक खाएं, सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ, ये आयोडीन युक्त नमक बंद कर दो तो आपके हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास साधारण साधारण सी हैं, इनका आप उपयोग कर लो।
बीमारियों से बच लो, दवाओं के पैसे कम हो जाए खर्च होना, देश की सुरक्षा बढ़ जाए उससे, और देश का बहुत ज्यादा लोगों का सुख और समृद्धि बढ़ जाए, ऐसी मेरी भावना है। शुरू हुआ वहां से और अंत यहां पर है। जीवन को थोड़ा सरल आसान हिंदुस्तानी स्वदेशी भारतीय बना। पहले भी मैं 10 साल पहले आया था यही बोल के गया था, बी इंडियन बाई इंडियन। बी इंडियन का माने भारतीय बनो, भारतीय वस्तुओं का उपयोग करो। अब भारतीय वस्तुएं क्या है? भारतीय भोजन, भारतीय भजन, भारतीय भेषज माने औषधि, भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग करो। विदेशी भूषा माने विदेशी कपड़े, विदेशी भोजन माने पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन मत खाओ, हिंदुस्तानी भोजन ज्यादा करो। विदेशी भजन जो विदेशी गाने हैं मत गुनाओ, मत गाओ, मत सुनो, स्वदेशी गाने गाओ, स्वदेशी भजन सुनो। जितना बने तो उतना आप करो तो देश अपने आप करेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, महाजन येन गता से पंथा, माने जिस रास्ते बड़े लोग चल पड़ते हैं ना समाज के बाकी लोग उसी तरफ चलने लगते हैं। आप सब महाजन लोग हैं माने श्रेष्ठ लोग हैं, आप इस रास्ते चलेंगे नीचे वाले अपने आप चलेंगे। मैंने मुंबई में देखा करोड़पति लोग जब से लिमड़ा का दातन करने लगे रोडपति लोगों ने भी दातन शुरू कर दिया, और मुंबई में हर साल दातन की बिक्री बढ़ रही है, कॉलगेट की बिक्री घट रही है। लाखों लोग रोजगार पाते हैं मुंबई में जो दातन बेचते हैं सड़क पर या तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो हम कर सकते हैं, हमारे सामने ये है आदर्श है, देश को खतरे से बचाना है, और आपकी वही भूमिका है जो सैनिकों की होती है। सैनिक सीमा पर खड़े होकर शत्रु से देश की रक्षा कर रहे हैं, आप देश के अंदर रहकर जो शत्रु आ रहा है उससे देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी भावना के साथ आपका आभार, आपने बड़े ध्यान से सुना, बहुत आभारी हूँ। दूसरों को ये बताएंगे और भी आभारी रहूंगा। ये जितनी बातें मैंने